सब्सक्राइब कीजिए डीके वेबटेक चैनल को और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हेलो गाइस, दिस इज इवेंट फ्रॉम dkweptech.com। फ्रेंड, जैसे ही आप फोटोशॉप ओपन करते हैं तो इस तरीके से कुछ इंटरफेस आपका ओपन होता है। अगर आपने रिसेंटली काम किया होगा तो रिसेंटली फाइल्स यहाँ पे दिखाएगा, और लाइब्रेरी पे आएंगे तो लाइब्रेरी में आपको कुछ ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे जहाँ से आप उनको वॉच कर सकते हैं, जैसे कि फ़ोटोशॉप की तरफ से ही है, एडिट योर फर्स्ट फ़ोटो, क्रिएट योर फर्स्ट डिज़ाइन, बट मेक श्योर कि आप नेट से कनेक्टेड हों, उसके बाद ही आप इनका यूज़ करिए। फिर इसके बाद में यहाँ पर आएंगे तो कुछ हमें प्रीसेट्स मिलते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। प्रिंट डॉक्यूमेंट अगर आपको करना है, कोई बनाना है आपको, तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ मिल जाता है, तो ये आपका लेटर साइज़ है। प्रिंट डॉक्यूमेंट का एक और है, और फिर उसके बाद में फ़ोटो डॉक्यूमेंट का है। आप यहाँ पे देखें 300 DPI पे मिल रहा है आपको 5-7 का जो फ़ोटो होता है आपका, तो फ़ोटो डॉक्यूमेंट और वेब डॉक्यूमेंट्स भी आपके दिए हुए हैं। आप नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे और भी चीज़ें मिल जाती हैं, मोबाइल ऐप डॉक्यूमेंट अगर कुछ डिज़ाइन करना चाहते हो मोबाइल ऐप से रिलेटेड, कुछ उसकी पिक्स वगैरह, तो आप इन पर डायरेक्टली क्लिक करके आप यूज़ कर सकते हो। तो अब डायरेक्टली आपको मान लीजिए इसमें कुछ नहीं यूज़ करना, आपको नया डॉक्यूमेंट बनाना है, तो नए पे न्यू पे ओपन करेंगे या कंट्रोल एन भी कर सकते हो। आप ओपन पे आओगे तो आपका जो सेव होगा आप उसको यूज़ कर सकते हो, उसको यहाँ पे ओपन कर सकते हो फ्रेंड्स। तो मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, जो मैं फ़ोटोशॉप यूज़ कर रहा हूँ वो हमारा फ़ोटोशॉप CC 2015 है, ओके। और आप कोई लोअर वर्जन यूज़ कर रहे हैं या फिर लेटेस्ट यूज़ कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है। आप लगभग इंटरफेस लगभग बराबर रहेगा, थोड़े बहुत चेंजेस रहेंगे, बल्कि काम जो है टूल्स का वो काम वही रहेगा। तो अब फ्रेंड्स हमें करना क्या है, तो हम यहाँ पर आते हैं, आप यहाँ पे चाहो तो कुछ ले सकते हो, या हम न्यू डॉक्यूमेंट पे आते हैं और यहाँ पे हम इंट्रो ऐसे या फिर इंट्रो हम कर देते हैं यहाँ पे, इसका कुछ भी आप नाम दे सकते हो। और यहाँ पे US पेपर दिया हुआ है, लेटर यहाँ पे दिया हुआ है आपका, इसको हम थोड़ा सा क्लोज करते हैं। तो फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट टाइप पे आओगे तो US पेपर दिया हुआ है आपका, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने नाम दे दिया, आप लेटर इसका अपने हिसाब से लीगली जो भी आप देना चाहो, तो लेटर ही दे दो। और यहाँ पे साइज़ अपने हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हो, कलर मोड कैसा होना चाहिए, RGB होना चाहिए, CMYK होना चाहिए। तो आप प्रिंटिंग के लिए यूज़ करो तो CMYK यूज़ करोगे, मतलब जैसा आपका प्रिंट होगा, कोई ज़रूरी नहीं आप CMYK प्रिंट के लिए यूज़ करो तो CMYK यूज़ करो, RGB प्रिंट है तो RGB यूज़ करो। तो यहाँ पे आपको कलर मोड उसका चेंज कर लेना होगा फ्रेंड्स, बाकी सब ऐसे रहने, बैकग्राउंड कलर जो है आप ऐसे रहने दीजिए। अगर आपको कोई दूसरा देना है या आपको ट्रांसपेरेंट रखना है तो ट्रांसपेरेंट यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, तो आपका बैकग्राउंड भी कुछ नहीं रहेगा, ब्लैंक रहेगा बिल्कुल। तो अब यहाँ पे अगर आप वेब के लिए यूज़ जो वेब के लिए जो भी बैनर्स आप कुछ भी बनाते हो तो वो RGB कलर पे ही बनते हैं। तो अब हम यहाँ पे हम RGB सेलेक्ट करके ओके कर देते हैं। तो अब देखिए ये इस तरीके से इसका इंटरफेस रेडी हो चुका है। तो अब फ्रेंड्स अब देख रहे हैं, जैसे कि टॉप में आपके ये मेनूज हैं, ठीक है। अब इंटरफेस जो आपका आ रहा है, तो अब व्यू पे जाओ और वर्क स्पेस पे जाके देखिए, ये एसेंशियल हमारा डिफ़ॉल्ट है। एक तो यहाँ से आप वर्क स्पेस सही कर सक चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। एक तो यहाँ पे जब राइट साइड में आओगे, राइट साइड टॉप में, तो आप यहाँ से वर्क स्पेस है इसको अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। तो एसेंशियल है भी हमारा 3D, अगर हम 3D सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे 3D ऑप्शन से रिलेटेड सारे पैनल्स ओपन होंगे, और ग्राफिक एंड वेब करेंगे तो ग्राफिक एंड वेब से रिलेटेड यूज़ होने वाली चीज़ें ही यहाँ पे आपको मिलेंगी, ओके। फिर उसके बाद में पेंटिंग से रिलेटेड आपको करना है तो पेंटिंग से रिलेटेड ही आपको चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। तो कुछ टूल्स इस तरीके से हैं, तो बट हम यहाँ पे एसेंशियल ही रखते हैं अभी, और इसको अभी आ रहा है 3D आ रहा है। ऐसे अपना आप वर्किंग स्पेस कैसे बना सकते हो और उसको सेव कर लीजिए, ताकि आपको बार बार आपको कुछ ढूंढना ना पड़े कि कहाँ पे स्वेचेस हैं, कहाँ पे कलर है, कहाँ पे टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ हैं, तो वगैरह वगैरह। तो ऐसे क्या रहेगा कि आप यहाँ पे आएंगे और अपना एक क्या बोलते हैं जो वर्किंग स्पेस है, जो अपना आपका वर्किंग एरिया होगा, आप यहाँ से क्रिएट करोगे और जस्ट क्लिक करोगे तो जो टूल्स यूज़ करने हैं आपको वो आ जाएगा, तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। तो मैं आपको ये लास्ट में इस वीडियो की बताऊँगा। तो पहले कुछ इंटरफेस पर ही बात कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि ये आपके मेनूज हो गए, और मेनूज के बाद में आपका आता है कंट्रोल पैनल, यानी कि आप इसको प्रॉपर्टी बार भी बोल सकते हो। एक्चुअली क्या होता है कि ये हमारे जो लेफ्ट में हमारे दिए हैं टूल्स पैनल जो है, टूल्स पैनल में आप जस्ट टॉप पे जाओगे तो यहाँ पे आप देखिए एक एरो बना हुआ है। देखिए अब ये सिंगल रो में शो कर रहा है आपका, सिर्फ सिंगल कॉलम में,
बट इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो एक्सपेंड होगा और ये डबल कॉलम में शो करने लगेगा फ्रेंड्स। तो ये क्लिक करोगे तो एक्सपेंड होगा और ये डबल कॉलम में शो करने लगेगा फ्रेंड्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। अब हमें क्या करना है, हमें इसको सिंगल में ही रखना है। और सिंगल में रखने के बाद में अब देखिए यहाँ पे इसका नाम शो कर रहा है जो हमारा ये हमने लिया हुआ है अभी डॉक्यूमेंट, तो इस तरीके से शो हो रहा है। आप इसको फुल करोगे तो ऐसा आएगा, और फिलहाल हमें फुल नहीं करना है इसको, जस्ट यहाँ से आएंगे और ये फिट हो जाएगा जब आपकी ब्लू कलर की लाइन बन के आए, ठीक है, रेक्टेंगल टाइप का। तो अब जैसे कि हम यहाँ पे अपने टूल्स पे आते हैं, और टूल्स पे आप कोई भी टूल का सिलेक्शन बनाओगे, तो अब देखिए यहाँ पे टूल्स का कोई भी सिलेक्शन हम बनाएंगे तो उसकी प्रॉपर्टी आप देखेंगे कि चेंज हो रही है कंट्रोल पैनल में, यानी कि प्रॉपर्टी वाले। ये देखिए आप कोई किसी भी टूल पे आप क्लिक करते हो तो उसी की प्रॉपर्टी यहाँ पे आ जाती है फ्रेंड्स। तो ये होता है कि इसकी प्रॉपर्टी जो यहाँ पे शो होने लगती है, आप इसमें अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हो जो भी करना है। तो अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या, बॉटम राइट में किसी भी टूल में बॉटम राइट में देखोगे तो एक छोटा सा एरो बना होगा, अगर वहाँ पे थोड़ी देर तक क्लिक करके रखोगे उसी टूल पे तो और भी उसके टूल शो करने लगेगा। तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे है तो उसके भी टूल शो कर रहा है, लगभग उसके अंदर जो भी टूल होंगे तो उसी से रिलेटेड होंगे। मान लीजिए कि ये हमारा पॉलीगॉन लॉसो टूल है तो इसका शॉर्ट कीज भी आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आएंगे तो अब इसी से सेलेक्टेड यानी इसी से रिलेटेड आएंगे, यानी कि ये सिलेक्शन के काम में आता है। तो अब जो सिलेक्शन के काम में आने वाले हैं तो उसी के अंदर आएंगे। फिर नेक्स्ट आता है आपका ये क्विक सिलेक्शन, तो इसमें भी अब सिलेक्शन बनाने जिनसे जल्दी से सिलेक्शन बन जाए वही टूल्स इसके अंदर आपको मिलेंगे। तो जिसमें टूल्स नहीं होते वो सिंगल, उसमें एरो नहीं बना होता, जहाँ पे एरो होगा तो आप समझ लीजिए वहाँ उसके अंदर और कुछ टूल्स भी हैं। अब जैसे ब्रश पे आए तो अब यहाँ पे ब्रश के ही सारे टूल्स मिल जाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सारे टूल्स चेक तो इस तरीके से आप यहाँ पे सारे टूल्स चेक करिएगा। तो यहाँ पे आप जैसे देखिए देख रहे हैं ये आपका कुछ, आपको अगर शेप वगैरह कोई देना है तो आप यहाँ से इस पर जैसे सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपके सारे शेप्स आ जाएंगे उसी चीज़ से रिलेटेड। तो अब देख रहे हो तो ये आप शेप्स यूज़ कर सकते हो, आप अपने हिसाब से चाहो, ठीक है, अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो जैसा शेप चाहो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, अगर आपको रोटेट करना है पेज को तो आप ऐसे करके रोटेट कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है, ऐसे किया फिर उसके अंदर जब इसकी प्रॉपर्टी आ जाए तो यहाँ पे आके ऐसे रोटेट करवा सकते हो। तो एक ये भी अच्छा मेथड है। तो फिर उसके बाद में अब यहाँ पे आने के बाद में अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं तो जैसे बॉटम और लेफ्ट में क्या शो कर रहा है, ये आपका है जूम, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप अपने पेज को जो आपका डॉक्यूमेंट है उसको 100% पे देखना चाहते हो कि 100% पे कैसा है, तो जस्ट इसका सिलेक्शन में डबल क्लिक करके और यहाँ पे 100% टाइप कर दो तो ये 100% पे कोई भी चीज़ होगी तो शो कर देगा। जैसे कि मैं कहता हूँ तो देखिए अगर फोटोशॉप में आपको इमेज ओपन करनी है तो कैसे ओपन कर सकते हो, एक तो ये मेथड है, मान लीजिए मैं ये इमेज लेनी है या ये इमेज कोई भी लेना चाहते हो तो हम डायरेक्टली इसको ड्रैग करके भी ओपन कर सकते हैं। इसको ऐसे किया और फोटोशॉप को ओपन करते हैं। हम इसको अभी थोड़ी देर के लिए क्लोज़ कर दे रहे हैं क्योंकि हम नया डॉक्यूमेंट लेंगे, न्यू लेंगे और जस्ट ओके कर दे रहे हैं। अच्छा बात तो वही हुई, यहाँ पे आएंगे और एक तो ये है कि हम जो भी इमेज लेना चाहते हैं उस इमेज को जस्ट डायरेक्टली हम ड्रैग करके भी ले सकते हैं, ऐसे ड्रैग करेंगे यहाँ पर आएंगे और जस्ट ड्रैग करके, अब देखिए एक ही मेथड है और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ ये फालतू की है। तो एक तो मैंने डायरेक्टली क्या किया इसको मैं ड्रैग करके ले आया, ठीक है, और एक मेथड है आप डबल क्लिक करो फिर आपकी जहाँ पे इमेज पड़ी हो और वो अपनी इमेज ऐसे करके सेलेक्ट करके ला सकते हो, ठीक है। तो एक ये हो गया और एक ये है कि आप फाइल पे जाके आप ओपन करके भी कर सकते हो, ठीक है, तो या ठीक है तो इम्पोर्ट भी कर सकते हो यहाँ से। फिलहाल इसको यहाँ से छोड़ते हैं, तीन चार मेथड हो चुके हैं। इस तरीके से आप इमेज को अपना फिलहाल यहाँ पे इम्पोर्ट कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए जैसे कि हमारी मेरी फ़ोटो है और ये शो कर रही है 16.67, ठीक है, नहीं 16-17% पे हमारी इमेज का प्रीव्यू ऐसा है, ठीक है। और इसका मैं मान लीजिए 100% पे देखना है कि 100% पे, चूंकि 100% पे एक्चुअल साइज शो होगा
तो अब जब आप 100% पे आओगे तो आप फ्रंट्स यहाँ पे देखोगे तो इसका जो एक्चुअल साइज होगा वो 100% पे इस तरीके से शो। ओके सो अभी हम इसका, अब हम मान लीजिए इसका फुल प्रीव्यू देखना है तो कंट्रोल जीरो कर दोगे तो फुल प्रीव्यू आ जाएगा इसका। अब इतना कर लिया है हमने, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे आप तो इसका साइज शो कर रहा है 70, यानी 72 इंच × 48 इंच की हमारी ये पिक है और 72 DPI पे है। अब यहाँ पे एरो पे क्लिक करोगे जस्ट इसके आगे है तो अब डॉक्यूमेंट साइज में देखना है तो डॉक्यूमेंट साइज पे देखोगे तो ये 51.3 MB की है, यानी 51 MB की है हमारी पिक है। ठीक है, और फिर उसके बाद में मेजरमेंट स्केल देखना है, जो भी आपको देखना है वो आप यहाँ पे, तो फिलहाल डॉक्यूमेंट डायमेंशन पे ही हम रहने देते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी देख सकते हो। फिर मान लीजिए कि आपको कोई चीज़, आपको यहाँ पे आपको कोई इमेज रिसाइज वगैरह भी करनी है तो राइट क्लिक करके इसको इमेज को रिसाइज कर सकते हो यहाँ से। ओके क्लिक करके इसको इमेज को रिसाइज कर सकते हो यहाँ से। ओके सो अब इसको हम क्लोज करते हैं और यहाँ पे हम एक दूसरा कोई ले लेते हैं, मान लीजिए कि अरे यही ले लेते हैं भाई। तो अब यहाँ पे आएंगे तो अब यहाँ पे आप फ्रेंड्स देख रहे हैं कि कुछ आइकन्स बने हुए हैं, जैसे हिस्ट्री का आइकन बना हुआ है और ब्रश का बना हुआ है। अब जैसे इन पे क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा। तो अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी शो कर रहा है बट हम चाहते हैं कि ये इतना सारा कचड़ा ना हो और हमें जस्ट सिंपली हमें एक अलग सा इंटरफेस चाहिए, एक अलग वर्क स्पेस चाहिए अपने हिसाब से, ये सारी चीज़ें ना हो वहाँ पे। तो अगर आप ये सब करना चाहते हो तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, तो इसको हम क्लोज कर देते हैं अभी फिलहाल। यहाँ पर आते हैं और ये 3D है तो इसको एसेंशियल कर देते हैं फ्रेंड्स। तो एसेंशियल पे आएंगे तो एसेंशियल पे आने के बाद में तो इस तरीके से, अब जैसे आपको जो चीज़ें यूज़ करनी है वो चीज़ें आप अलग कर लीजिए, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे आया और ये हिस्ट्री है, जस्ट ड्रैग करके अलग ले आइए। अगर आपको हिस्ट्री चाहिए तो रखिए, अदरवाइज आप इसको डिलीट कर दीजिएगा बाद में। फिर इस पर क्लिक करेंगे, ये प्रॉपर्टीज़ है, सॉरी, यहाँ पे आएंगे, उसी नाम पे क्लिक करके आपको जस्ट ड्रैग करना होगा। डिवाइस प्रीव्यू है, इनका मैं कोई यूज़ नहीं वैसे फ़िलहाल। ठीक है, फिर इसके बाद में आपका क्या आता है, ब्रशेस, ब्रशेस तो हमें ज़रूरत पड़ेगी पड़ेगी फ़िलहाल, इनको इधर लाएंगे, फिर ब्रशेस प्रीसेट भी इधर ला ले आएंगे और ये कैरेक्टर टेक्स्ट प्रॉपर्टी है, क्लिक मत हो भाई, क्या हो रहा है, मेरा माउस कुछ एडवांस ही काम कर रहा है, तब भाई क्या, इसको इधर ले आए और फिर उसके बाद इसको भी इधर ले आए, यहाँ पे इसको भी इधर ले आए और इसको भी इधर ले आए। तो अब देखिए मैं 3D का भी कोई यूज़ नहीं तो 3D को भी हटा देंगे, टूल्स प्रीसेट्स का भी हमें कोई यूज़ नहीं है, हमें इन दोनों का यूज़ है फिलहाल और इनका भी यूज़ है, ब्रशेस का भी यूज़ होगा हमें। और इसके बाद में क्या बचता है, आपका कलर बचता है तो कलर को भी इधर ले आओ, स्वेचेस को भी इधर ले आओ, स्वेचेस को भी इधर ले आओ और लाइब्रेरी स्टाइल्स वगैरह को भी इधर ले आते हैं और इसको क्लोज कर देते हैं। मुझे इसका स्टाइल का कोई काम नहीं, एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। और लाइब्रेरी को भी ले आते हैं हम इधर, ओके लाइब्रेरी की भी हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो इसको हटा देते हैं और लेयर्स भी ले आते हैं। देखिए हम इनको सबको इधर ला रहे हैं और इन सबका अपने हिसाब से हम सिलेक्शन बनाएंगे, जैसा हमें जो चाहिए होगा वही करेंगे, बाकी फालतू की चीज़ें। तो अब देखिए आपको क्या क्या चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए, सबसे पहले यहाँ पे आपको जो जो चाहिए उसको अलग कर लीजिए, बाकी चीज़ें आपको हटा देनी है। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले लेयर्स पे आएंगे, लेयर्स हमें चाहिए और लेयर्स में हम क्या करते हैं,
पाथ भी देते हैं, चैनल भी देते हैं, तो ये आया। और जब ऐसा आपको ब्लू लाइन बन के आ जाए तो छोड़ दीजिएगा। सॉरी ये गड़बड़ हो गया, नाम पे आएंगे। ओके सो अब ये यहाँ पे फिट हो गया, और इसके बाद में पाथ पे आएंगे, पाथ को भी लेके आएंगे। यस पाथ भी हो गया। तो यहाँ पे देखिए चैनल्स, लेयर्स, पाथ, इन दोनों तीनों का हो गया एक जगह पे, क्योंकि हमें ये चाहिए था। अब फिर कलर वाला बचा आपका, और अब हम क्या करते हैं, ये जो कलर है स्वेचेज वाला है इसको यहाँ पे ओके। और हम सोचते हैं कि ब्रश वाला भी इसी में कर दें, ताकि हमारा ज़्यादा इधर उधर ना रहे। तो हम ब्रश वाला, चूँकि जो कलर पेंटिंग से रिलेटेड चीज़ें उनको सबको हम एक में करें करें, ब्रश भी हो गया और ब्रश प्रीसेट भी इसी में कर देंगे। अब देखोगे ये भी इसी में आ गया, है। और एडजस्टमेंट वाली बात है, तो एडजस्टमेंट हम चाहते हैं कि एडजस्टमेंट भी इसमें हो जाएगा तो काफ़ी कुछ ज़्यादा हो जाएगा। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, एडजस्टमेंट एक बचता है तो हम इसको यहाँ पर डाल दे रहे हैं। ओके एडजस्टमेंट भी यहाँ पे आ गया। तो अब देखिए ये चारों चीज़ें रेडी हो गई हैं। ओके चारों चीज़ों इनको ऊपर कर देंगे पहले। अब ये वाला जो हमने रेडी किया इसको यहाँ पे लाएंगे, और जस्ट नीचे जब देखेंगे ब्लू कलर लाइन बन रही है तो यहाँ पे छोड़ देंगे, तो यहाँ पे ये एडजस्ट हो जाएगा। ओके अब इनको आप पूरे को चाहे जहाँ जैसे चाहे कर सकते हो। अब कैरेक्टर हमारा बचता है, तो अब कैरेक्टर वाले को यहाँ पे लाएंगे पकड़ के, और जस्ट ये, तो अब ये देखिए अब इसको सबसे लाएंगे नीचे, नीचे जोड़ेंगे। ओके सो फाइनली ये रेडी हुआ। अब इसको पकड़ेंगे, और यहाँ पे आप जैसे आप लेफ्ट साइड में ले जाओगे तो फ्रेंड्स देखोगे आपकी ब्लू लाइन बने। सॉरी ये देखिए ब्लू लाइन बन के आ रही है, तो इसको जस्ट आपको छोड़ देना है, तो ये इसमें ऐसे फिट हो जाएगा। तो अब ये देखिए आपकी चीजें, ये जो चीजें थी वो रेडी हो चुकी हैं। अब इनको आप छोटा बड़ा भी कर सकते हो यहाँ से अगर चाहो तो। तो अब यहाँ पे चैनल्स पे आ गए, लेयर्स पे आ गए, इसको इधर कर लेंगे। ओके लेयर इधर हो गई, और इनको अब छोटा बड़ा करना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो, इनको अपने बाद अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो फ्रेंड्स। तो अब हमारी लेयर्स यहाँ पे हो गए चैनल्स, तो ये अब मेरा अपने हिसाब से बन गया है ना एडजस्टमेंट, तो ये अब पूरा मेरे हिसाब से बन गया है। अब जैसे हम इसका यूज़ करना चाहते हैं अब वैसे इसका यूज़ हम कर सकते हैं, चाहो तो आप ये वाला अगर ऊपर करना चाहते हो, तो लेयर्स को नीचे करना चाहते हो तो लेयर्स को भी हम नीचे कर सकते हो फ्रेंड्स। अब करना क्या है कि विंडो पे आना है, वर्क स्पेस पे आना है, और न्यू वर्क स्पेस करेंगे। तो ये हम इसका कुछ भी नाम दे दो कि माई न्यू वर्क स्पेस। मैंने इसका इस नाम से दे दिया और सेव कर दिया। अब हम कभी भी इसको बंद करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो देखिए मेरा एक अभी एसेंशियल लेंगे, तो जब एसेंशियल लेंगे, चूँकि एसेंशियल में भी यही एसेंशियल में ही मैंने ये सब सेट किया हुआ है, जब दोबारा ओपन करेंगे तो एसेंशियल का बाय डिफ़ॉल्ट ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, और हमने क्या किया, माई न्यू का ये है, और आप 3D पे आओगे अगर तो इसका इस तरीके से होके ओपन होके आएगा, मोशन पे ऐसा आएगा, और मेरा जो बना हुआ है वो इस तरीके से। चीज़ों की नीड थी हम वही चीज़ें यहाँ पर रखेंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ट्यूटोरियल काफ़ी पसंद आया होगा, और आप अपना जो पैनल है इसको अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो, जो भी आपका वर्किंग स्पेस है उसको अपने हिसाब से आप मैनेज कर सकते हो। और कोई चीज़ आपको वहाँ पे नहीं मिल रही है तो आप यहाँ पे आके भी आप उसका यूज़ कर सकते हो, जैसे टाइमलाइन हो गया, देखो ये वीडियो बनाने के काम में आता है, तो वीडियो एनिमेशन के लिए, तो आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मिल जाएंगी। आपको अगर यहाँ पे नहीं मिल रही हैं तो आप यहाँ पे आके डायरेक्टली उनको ढूंढ सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स हेल्प मिली होगी आपको। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में कमेंट करके बताएं कि आपको क्या प्रॉब्लम है। और फ्रेंड्स अब हम प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, छोटे छोटे प्रोजेक्ट होंगे हमारे, रिटचिंग के होंगे, मैनिपुलेशन होगा फ़ोटोज़ का, तो काफ़ी अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स आने वाले हैं।
नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस करिए, क्योंकि आपको अपडेट्स नहीं मिलते हैं और काफ़ी लेटली अपडेट्स मिलते हैं अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करते हैं।